अयोध्या में दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स तैनात रहेगी, जिससे यहाँ पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। किसी भी तरह की अनहोनी को पहले से ही रोकने के लिए इन खतरनाक फोर्स को तैनात किया जाएगा। पूरे राम मंदिर के चप्पे चप्पे पर चील सी नजर और चीते सी तेजी के साथ ये कमांडो किसी भी आतंकी गतिविधियों को सेकंडों में पाताल से लेकर आसमान में खत्म करने के लिए तैयार रहेंगे। इस भव्य समारोह में 50 से ज्यादा देश शामिल होंगे। इतना ही नहीं, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी, जिसमें विराट, सचिन, रोहित जैसे महान क्रिकेटरों को भी निमंत्रण भेजा गया है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से देशवासियों के लिए राम मंदिर का कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि एक दिन में 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग रोजाना प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। भगवान राम के लिए पुणे में खासतौर से रामलला के सोने के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कन्नौज का इत्र रामलला को महकाने के लिए खास तौर से लाया जा रहा है। 1000 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी पर 108 कलशों में 600 किलो देसी घी भी अयोध्या लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सभी की तैयारी में मोदी और योगी पूरी तरह से खुद जुड़े हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के अनुसार राम मंदिर का कार्य इसी महीने यानी 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए देश भर से 4000 से ज्यादा साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया है। 18,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भव्य राम मंदिर की सुंदरता लोगों को विदेश से भी अपनी ओर खींच रही है। राम की इस पवित्रता के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।